राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गांव की महिलाओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें महिलाएं उनके गांव में क्या विकास हो रहा है इसकी जानकारी वे साइन बोर्ड पर लिखेंगी। इसके गुर महिलाओं को दिए जा रहे हैं, जिससे पढ़ी लिखी महिलाओं को मनरेगा के तहत रोजगार मिलेगा। इसमें सपरून पंचायत की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और बोर्ड लिखने के गुर सीखे। इस प्रशिक्षण को पाकर ग्रामीण महिलाएं बेहद खुश हैं, क्योंकि इस प्रशिक्षण के बाद वे घर में रहकर ही अपना रोजगार चला पाएंगी और आत्मनिर्भर भी बन पाएंगी। अधिक जानकारी देते हुए विकास खंड कार्यक्रम प्रबंधक रुचि ठाकुर और ट्रेनर रणवीर सिंह ने बताया कि ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से खंड विकास कार्यालय द्वारा साप्ताहिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि इस प्रशिक्षण में सपरून पंचायत की 9 महिलाओं ने भाग लिया और मनरेगा के तहत साइन बोर्ड किस तरह लिखे जाते हैं इसका प्रशिक्षण लिया। उन्होंने बताया कि इस पंचायत में महिलाओं के 9 सहायता समूहों का गठन किया गया है। इन समूहों की महिलाओं ने इस प्रशिक्षण में बढ़ चढ़कर भाग लिया है। मेरा नाम रुचि ठाकुर धर्मा है और मैं डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर हूँ। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत हमने महिलाओं को मनरेगा साइन बोर्ड लिखने का प्रशिक्षण दिलवाया है। स्कीम का मेन मकसद ही ये है कि महिलाओं को आजीविका के हम अवसर प्रदान करा सके। इसके स्कीम के अंतर्गत हम पहले स्वयं सहायता समूह का गठन करते हैं। इस पंचायत में हमारे 9 स्वयं सहायता समूह है। इसके बाद हमने एक ग्राम संगठन उपकार ग्राम संगठन का गठन किया है, जिससे हमने ये ट्रेनिंग हमने इन्हें प्रोवाइड करवाई है। मेरा नाम रणवीर है जी और मैं खुटीदार से हूँ और मुझे खंड विकास अधिकारी विकासखंड सोलन जिला सोलन द्वारा 21 तारीख से 28 तारीख तक का जो प्रशिक्षण देने का कार्य दिया गया है, मैंने 9 ग्रुप की 9 महिलाओं को मनरेगा साइन बोर्ड लिखने बारे में प्रशिक्षण दिया है और मैं कामना करता हूं कि जैसे मैंने सिखाया है वैसा वो करने की कोशिश करेंगे तो खुद व खुद अपने आप आजीविका कमाने के लायक होंगे।